अपने सब्सक्राइबर के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ भाई के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में और कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। वैसे क्या सीखा फिर सभी ने? सभी बना लोगे ना? देखिए भाई हमारे आंटी जी फुल सेवा करते हैं, जब भी आते हैं भाई पानी जरूर पिलाते हैं, पानी और चाय, है ना। थैंक यू आंटी, रख लो, कोई नहीं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ बालू पुल पे, और गाइस आज आपका भाई ना अकेला अकेला चला हुआ है। बारिश का भी माहौल है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, बारिश होना भी गाइस जरूरी रहती है। और अभी के टाइम आज वैसे अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो कभी कभी ना अकेला भी इंसान को रहना पड़ता है। और गाइस ये देखो भाई, ये है बालू का माहौल, देख सकते हो। इस तरफ देखो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ये है न्यू पुल। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा ऐसा है, और आपका भाई आज अकेला अकेला। तो हेलो भाई, और क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो गाइस हमारे सब्सक्राइबर भी मिले। भाई कहाँ से आप? भाई हैं तड़ोजी से, मतलब चंबा के हो ना? हाँ जी, हाँ जी भैया। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बस यही ऐसे समझो। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो गाइस मतलब हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं, थैंक यू भाई। और कौन सी वीडियो अच्छी लगी आपको फिर? सारी अच्छी लगती हैं। अच्छा अच्छा, और ठीक ठाक आप? तो भाई ऐसे मोमेंट भी आए जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, कैप्चर हो गया मोमेंट है। और सब बढ़िया घर पे? सब बढ़िया। अच्छा भाई, बढ़िया बढ़िया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एक सवाल और पूछ सकता हूँ आपसे? नहीं। हाँ जी पूछो भाई, क्यों नहीं पूछ सकते? जो आपने चंबा एनएक्सआई में जो वीडियो बनाई थी, वो सच में होता है वैसे क्या? जॉब मिलती है क्या? अच्छा, जो आपने जो मैंने मतलब जो एनएफसी के इंस्टीट्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, चंबा उदयपुर में। वीडियो देखी आपने क्या? देखी भैया। अच्छा, सो गाइस मैंने एक पीछे वीडियो डाल ली थी, तो क्या सवाल है उस चीज़ का? मतलब सच में उसके मैं साल के बाद मतलब जॉब कंफर्म ही है उसमें, कि क्या सीन है वहाँ पे भाई? जॉब वगैरह कंफर्म है? आप अभी फ्री हो ये बताओ मेरे को। फिलहाल तो फ्री हूँ। चलो फिर आगे। सो गाइस मैं चला था अपने काम से। वैसे गाइस आज मुझे काम कुछ नहीं था, ऐसे ही अकेला था मैं, तो क्यों ना थोड़ा चक्कर काट के आऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बारिश भी हुई, थोड़ा माहौल भी ठंडा ठंडा था। और हमारे बीच में भाई हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, थैंक यू सो मच। भाई का नाम क्या है? अरुण। अच्छा अरुण भाई, तो भाई बोल रहे हैं गाइस जिन्होंने एक मेरी वीडियो देखी होगी, मतलब पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने भी शायद देखी होगी, तो आपने उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया? कॉन्टैक्ट नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, मैं उनको कॉन्टैक्ट करता हूँ, या वहीं चले जाते हैं यार, एक काम करते हैं। चलो फिर चले वहीं। चलो, क्योंकि थोड़ा ही तो दूर है यहाँ से, बालू से कहीं उदयपुर कितना नज़दीक है। तो चलो एक बात अच्छी होगी भाई, सब्सक्राइबर के साथ आपका काम भी हो जाएगा, मुझे भी खुशी होगी। तो गाइस अभी हम लोग अभी जाएंगे उदयपुर इंस्टीट्यूट में भाई के लिए, स्पेशली भाई के लिए। गाइस हम सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं यार, जैसे गाइस इस बारिश में हमारे अपने सब्सक्राइबर के लिए यार, मैं भी होटल मैनेजमेंट आ चुके हैं। तो भाई ये है यार होटल मैनेजमेंट, वीडियो में तो देखा होगा, तो अभी आपको अंदर मिलाता हूँ ना सभी के साथ। तो भाई ये है इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है, आपको सब कुछ बताएंगे। आ जाओ आ जाओ। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, और बढ़िया ठीक ठाक जी। तो मेरे को ना भाई मिले थे रास्ते में, ये बोल रहे थे कि मुझे इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है, जैसे पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, आपको तो पता है कि मेरे को तो जानते हो आप। सो बीच में जैसे मैं चला था, इन्होंने बोला कि भाई मुझे जानना है, तो मैं इनको डायरेक्टली आपके पास ले आया। जी ठीक है सर, आप बैठिए। जी 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 जी, आओ आओ बैठते हैं। सो गाइस हम मैं भाई को यहाँ पे लेके आया हूँ, देख सकते हो। ओके ओके, हाँ जी जी, थैंक यू। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, देख सकते हो। और थोड़ी देर बाद ना इनको बताने वाले हैं कि कैसे क्या करना है, इनको सब कुछ बताएंगे। सो आपने गाइस हमारे साथ बने रहना है। और भाई कैसा लग रहा है? ठीक है, ये है भाई इंस्टीट्यूट, वीडियो में तो आपने देखा था। चलो अभी जानना भी है, आपने देखा तो था। तो गाइस मतलब अपने सब्सक्राइबर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई ने जैसे ही बोला, भाई को मैं यहाँ पे लेके आया डायरेक्टली, क्योंकि वैसे मैं भी थोड़ा उतना बिजी नहीं था, मतलब बारिश में करना भी क्या था, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही चला जाऊँ। सो अभी देख सकते हो ना इनकी एंट्री होती है, जब गाइस कोई भी यहाँ पे आता है ना, सबसे पहले उनकी एंट्री होती है। सो इनकी एंट्री की जा रही है यहाँ पे, और मेरी भी एंट्री होगी। गाइस इनकी एंट्री वगैरह हो चुकी है, अभी मैं भी अपनी एंट्री करवाता हूँ, ठीक है। ओ भाई पानी भी आ गया। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। और जी ठीक हो? और ये देखिए भाई हमारे आंटी जी फुल सेवा करते हैं, जब भी आते हैं भाई पानी जरूर पिलाते हैं, पानी और चाय, है ना। थैंक यू आंटी, रख दो, कोई नहीं। भाई देखो यहाँ पे आपको ना अच्छे अच्छे लोग मिलने वाले हैं यहाँ पे, है ना आंटी जी? बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस देखते हैं भाई को कैसा लगता है। अभी इनको ना काउंसलर रूम में भेजेंगे, जहाँ पे इनको बताया जाएगा जैसे जी जो 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 चीज़ें ये जानना चाहते थे कि भाई क्या होता है। फिर से इन्होंने पूछा था, मुझे तो उतने नॉलेज थी नहीं, इसलिए डायरेक्टली ना इनको यहाँ पे ले आया था। पानी वगैरह पी लो ना आप आराम से, ठीक है।
सो गाइस आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैम ने अभी ये जो मैम है इनको काउंसलर रूम में लेके जाने वाले हैं, देख सकते हो ना, जहाँ पे इनको बताया जाएगा कि किस तरह से क्या रहता है, इनके जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। सो गाइस पानी वानी हो गया, जो मेरा काम था वो भी मैंने कर दिया, सो अभी जाने का टाइम है, मैम चलता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा नहीं, थोड़ा जाना भी था, वैसे फ्री हूँ वैसे तो आज मैं, क्या चल रहा है अभी? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चले हैं। अच्छा तो फिर प्रैक्टिकल चले हैं और आपको भी दिखाते हैं, सो रुक रहे हैं, ठीक है। फिर बाहर भी बारिश लग रही है, बारिश लगी हुई है, सो क्यों ना रुका जाए, क्योंकि डेली की तरह थोड़ा कुछ ना कुछ आपको दिखाता रहता हूँ यहाँ पे आके, तो आज भी दिखाते हैं, जैसे मैम ने कहा कि कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह चलें, सो क्यों जाना बाहर, बारिश लगी है तो थोड़ी देर वेट ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। सो गाइस अभी आपको दिखाने वाला हूँ एफ एंड बी जो प्रैक्टिकल्स चले हैं वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना क्लास लगी हुई देख सकते हो सामने, आ जाऊँ? ठीक है, थैंक यू। सो गाइस अभी यहाँ पे ना प्रैक्टिकल्स चले हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स यहाँ पे अभी चले हैं। और कैसे हो सर? बढ़िया, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। गाइस यहाँ पे अभी क्लास चली है। सर ये क्या बना रहे हो आप अभी? हम अभी एक सेकंड आपको माइक दे देता हूँ मैं। सर आपको बताएंगे कि अभी यहाँ पे ना क्या क्या चल रहा है। अभी हम एफ एंड बी का एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मॉकटेल बनाने जा रहे हैं, और मॉकटेल बनाएंगे हम ब्लू लगून। तो ब्लू लगून के लिए सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स ये होंगे, ये शुगर सिरप है और ये लाइम जूस है, हमने कुछ एक लाइम व्हील लिए हुए, और गिलास ब्लू क्रासो चाहिए होगा इसके लिए, सोडा और स्प्राइट। इसको बनाना कैसे? सबसे पहले हमने इसके अंदर शुगर सिरप ऐड ऑन कर दिया है, उसके बाद हम लाइम जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर लाइम जूस ऐड ऑन करेंगे, और इसके अंदर हम एक लाइम व्हील ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे स्प्राइट, इसका नाम क्या बताया सर आपने? इसका नाम है ब्लू लगून। ब्लू लगून है ना? ब्लू लगून मॉकटेल है, जो कि रिफ्रेशमेंट में आजकल गर्मियों का टाइम है तो काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं इसको। इसको थोड़ा हमने ऐसे शेक कर लिया, ऐसे करके तो हमने शेक करना है। ये पीला पीला क्या है? ये वाला हमारा शुगर सिरप है, शुगर को मेल्ट करके बनाते हैं हम इसको, और इसके ऊपर हम टॉप अप सोडा देंगे, ये टॉप अप सोडा जाएगा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा, ये हमारा मोनियन है ब्लू क्रासो सिरप है, ये फ्लेवर का काम करता है इसमें, तो हम इसको फ्लेवर के लिए ऐड ऑन करते हैं इसमें, अभी ये मॉकटेल रेडी हो चुकी है, हमारी मॉकटेल ना बनके रेडी हो चुकी है, देख सकते हो बिल्कुल दो मिनट में है, काफ़ी इजी है, हम घर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, घर में भी बन सकती है इजीली। सो गाइस ये था इनका एफ एंड बी प्रैक्टिकल, क्या क्या सीखा फिर सभी ने? अभी बना लोगे ना? अभी से टेस्ट कौन करेगा? कोई भी सर, अभी ट्राई करिए, सबसे पहले हम तो आपको प्रेफर करेंगे। मैं ट्राई कर लूँगा, फिर आप लोग क्या पियोगे? नहीं, ये हमारी है ही गेस्ट के लिए, तो आज हमारे आप गेस्ट हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करिए। सो गाइस अभी ट्राई कर सकते करते हैं इस पूरे के पूरे आसमान को। कैसे है? अरे एकदम रिफ्रेशमेंट करने वाला, नींबू पानी से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, इसके डिफरेंस ये है कि जो हम इसके अंदर फ्लेवर ऐड ऑन करते हैं, लाइक ये मोनिन का, मोनिन से ये जो अलग सा एक फ्लेवर देता है और ये कलर भी देता है तभी है। और जो इसका कलर है, इसका ना कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई ये हमारी मॉकटेल ख़त्म हो गई, देख सकते हो काफ़ी हैवी थी वैसे, काफ़ी एनर्जेटिक थी गाइस। तो भाई ये थे एफ एन बी प्रैक्टिकल्स जो मैंने आपको दिखाई थी, अभी देख जाते हैं भाई के पास, भाई फ्री हुए या नहीं। तो भाई भी फ्री हो, और भाई हो गए फ्री?
तो ये देखो भाई, हमारे भाई भी फ्री हो चुके हैं। तो कैसा लगा यहाँ पे आपके, क्या क्या बताया आपको फिर? है अच्छे तरीके से समझाया, गाइड किया कि क्या क्या ठीक होता है। अच्छा अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक था ना? मतलब यहाँ आके ये तो नहीं लगा कि नहीं यार? नहीं भैया, एडमिशन भी ले लिया। एडमिशन भी ले ली? ओ भाई आप तो भाई सुपर फास्ट, एडमिशन भी ले ली इतनी जल्दी है। हाँ जी भैया, घर वालों को वीडियो कॉल वगैरह की थी, उसमें समझाया वगैरह ना। अच्छा अच्छा, मतलब आपका पहले से ही प्लान था कि आपने ये करना है? था मतलब प्लान तो, तभी आप। अच्छा अच्छा, बिल्कुल गाइड नहीं किया ना मेरे को। अच्छा, अच्छे से अंदर गाइड किया आपको। तो गाइस ये देखो भाई, भाई एकदम से मिले मेरे को, डायरेक्टली आए और फैमिली से यहीं पे बात की ऑनलाइन। इन्होंने एडमिशन भी ले ली हो भाई साहब, कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची होंगी बट मतलब कंप्लीट समझो एडमिशन इनकी हो चुकी है। तो किस कोर्स में आपने एडमिशन ली है? कॉमी शेफ में। कौन सा क्या? कॉमी शेफ। अच्छा कॉमी शेफ, भाई आपको पता होगा, मेरे तो ऊपर से जाता है, मुझे पता नहीं ठीक है इस बारे में, वो आपको पता होगा, बस शेफ नाम समझ आता है। बाकी गाइस देख सकते हो ना, हमारे भाई ने एडमिशन भी ले ली है, तो अभी जाने का भी टाइम है। भाई चले जाओगे आप यहाँ से अभी? हाँ जी भैया। तो अब मतलब कब से क्लासेस हैं आपकी रेगुलर? कल से क्लासेस भी हैं मतलब? हाँ जी। ओ मजे भाई आपके मजे यार, क्विक एक्शन लो भाई, मैं तो बोलता जो करना है ना लाइफ में फटाक से करो, जैसे भाई ने किया है। सो अभी भाई मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे होंगे, तो आपने कौन सी साइड जाना है? मैंने ये जाना अपने घर तड़ोली। अच्छा आपने, चलो ठीक है फिर भाई, मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, तो भाई जब नेक्स्ट टाइम आएंगे भाई से पूछेंगे कि भाई कैसा यहाँ पे लगा, कैसे क्लासेस लगती हैं, कैसा इनको यहाँ पे रहता है, जो कुछ भी गाइस रहेगा इनसे मिलवाएंगे जब नेक्स्ट बार आएंगे। तो भाई थैंक यू सो मच यार, देखो आप सब्सक्राइबर और डेली वीडियोस देखते रहना है भाई, थैंक यू यार, मजा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। चलो मैं तो कर ही सकता हूँ भाई, कोई बंदा सामने से इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है तो अपने सब्सक्राइबर के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ भाई के ऊपर, ठीक है, इस वीडियो में और कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। वैसे तो मैं सुबह का चला आ रहा था, आपको पता कि डेली रूटीन जब दिखाता हूँ तो सुबह से चलता है ब्लॉग। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करना है भाई।